नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने आज कांग्रेस की सदस्यता ले ली। बता दें कि आज 28 सितंबर को दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय यानी कि 24 अकबर रोड पर कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। इस दौरान बिहार से तमाम नेता की मौजूदगी रहे, जिसमें प्रभारी भक्त चरण दास, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत तमाम बिहार के बड़े नेताओं की यहाँ मौजूदगी देखने को मिली। साथ ही साथ जो कन्हैया कुमार के साथ साथ जो गुजरात से निर्दलीय विधायक और एक तरीके से गुजरात के युवा चेहरा माने जाने वाले जिग्नेश मेवानी की भी आज कांग्रेस की सदस्यता लिए। उस दौरान जो गुजरात प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल भी मौजूद रहे। बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार कन्हैया कुमार के पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। इस दौरान आज 28 सितंबर को उन्होंने भगत सिंह की जयंती पर अपने जीवन का एक नया अध्याय की शुरुआत की। कांग्रेस की ज्वाइनिंग से पहले उन्होंने दिल्ली स्थित आईटीओ के शहीदी पार्क जाकर भगत सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वहां से एक नई शुरुआत का आगाज किया। इस दौरान राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद रहे। बता दें कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार की भूमिका क्या होगी, क्योंकि उनकी भूमिका क्या राष्ट्रीय स्तर पर होगी या फिर राज्य में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसको लेकर अभी कुछ भी तस्वीरें साफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही। हालांकि राजनीतिक पंडितों का कहना है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि केंद्र की टीम में इनको जगह दी जाए, केंद्रीय नेतृत्व में इनको जगह दी जाए, जिससे मोदी सरकार के खिलाफ एक युवा तेवर जो लगातार मोदी सरकार और बीजेपी सरकार को घेरने में सक्षम रहे। बड़ी खबर है कि कांग्रेस में आज कई दिनों के अटकलों के बाद आज कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। इस दौरान राहुल गांधी, कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, भक्त चरण दास जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं समेत तमाम लोगों की मौजूदगी रहे। बंसल साहब और कन्हैया जी का स्वागत करेंगे और मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे साथी नितिन रावत जी से और उनके साथ साथ भक्त चरण दास जी से, केसी वेणुगोपाल जी से, बंसल साहब से कि वो जिग्नेश मेवानी जी का भी औपचारिक तौर से हमारी विचारधारा से जुड़ने के लिए, कांग्रेस की विचारधारा के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए स्वागत करें।